जिला कुल्लू के मुख्यालय के साथ लगते सेउवा गांव में माता दशमी वार्ता व देवता वृंदु के आगमन से तीन दिवसीय सेउवा जवाड़ी मेले का आगाज हो गया। वहीं साथ ही पंडित मधुसूदन मेमोरियल कबड्डी प्रतियोगिता भी शुरू हो गई। इस खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ पर काइस पंचायत की प्रधान यूम देवी नेगी ने बताओ मुख्य अतिथि शिरकत की। मेला कमेटी के वरिष्ठ सदस्य शरब नोरवो नेगी ने मुख्य अतिथि को शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित किया, साथ ही अन्य विशेष अतिथियों को भी सम्मानित किया गया। कबड्डी प्रतियोगिता के पहले मैच में जाना और काइस की टीम में रोमांचक मुकाबला हुआ, जिसमें जाना की टीम मैच जीतने में सफल रही। मुख्य अतिथि यूम देवी नेगी ने सबसे पहले विजेता टीम को बधाई दी और साथ ही कहा कि खेलों से शारीरिक विकास के साथ साथ मन भी स्वस्थ रहता है। मौसम भी खराब था, मौसम के खराब होने के कारण भी अब बच्चों में उत्साह बहुत है। टीम बाहर से आए हुए इनके मतलब उत्साह हमने देखा, बहुत अच्छा उत्साह है। मनोरंजन अच्छी रखी है, हमारे युवा संगठन सेवा की तरफ से भी मतलब कभी व्यवस्था अच्छी रखी है। बाकी युवा जो खेल टीम आई है इनके बहुत अच्छी प्रतियोगिता रही है, जो विजेता रहे उनके लिए हमारी तरफ से हमारी पंचायत की तरफ से हार्दिक बधाई देती। बड़ी मेला 13 से 15 मार्च हर साल की भांति यहाँ पे होता है सेवबाग में, तो इसमें जो हम पंडित मधुसूदन मेमोरियल कबड्डी प्रतियोगिता करवाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य नौजवानों को नशों से दूर रखना है और खेल कूद के प्रति उनकी भावनाओं को और खेल कूद के प्रति उनको और जागरूक करना है। और अभी आज जाना की टीम ने आज जो हमने मैच स्टार्ट किए हैं उसमें जाना की टीम को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, पहला मैच उन्होंने जीता है। और अभी ये मेला जो है 3 दिन चलेगा और 15 मार्च को इसमें फाइनल खेला जाएगा। उज्जवल हिमाचल के लिए कुल्लू से ब्यूरो रिपोर्ट।